हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक अग्रवाल और आज हम लोग कंप्लीट एनालिसिस वीडियो सीरीज का फिफ्थ वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसमें हम लोग पेपर 9 यानी कि OMSM के बारे में बात करेंगे और इसकी कंप्लीट एनालिसिस की सीट को देखेंगे, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे पहले के चारों वीडियोज यानी कि ग्रुप 1 वाले चारों सब्जेक्ट के एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस वहां से जाकर भी देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल अभिषेक अग्रवाल पर जाके भी देख सकते हो। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो ना यार, कमेंट करो, सब्सक्राइब करने बोलो अपने फ्रेंड्स को, शेयर करो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ताकि मैक्सिमम फ्रेंड्स इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट से। ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैं पर्सनली आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा कि आप लोग जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि मैंने पास्ट ट्रेंड्स में देखा है कि OM में आप लोगों का पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उससे भी कुछ सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल सम्स तक सेम आते हैं, 10-10 मार्क्स के सेम क्वेश्चन आप लोगों के आ जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि पहले आप लोग अपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए OM के लिए। प्लस एक चैप्टर जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि हाफ ऑफ OM, आप लोग का OM का फुल सिलेबस का हाफ वेटेज, हाफ के करीब आप लोगों का वेटेज इसी चैप्टर से होता है। और OM हो गया, फिर SM के लिए हम लोग बात करेंगे। SM थ्योरी है आप लोगों का और OM SM से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि इसमें मार्क्स नहीं मिलता है, बट मैंने देखा है कि OM में सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग सीट की तरफ देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों की स्क्रीन पर ये सीट आ चुकी है, इस सीट में आप लोग देख सकते हैं चैप्टर के साइड पर मैंने येलो मार्क किया है कुछ चैप्टर्स को जो कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन मार्क किया है December 19 के लिए जो एस्टिमेटेड है। ये सर्टेन नहीं है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये एस्टिमेटेड मार्क्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, जो इंट्रोडक्शन चैप्टर से आता है आप लोगों का थ्योरी क्वेश्चन। उसके बाद ऑपरेशन प्लानिंग से 1 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, एवरी टर्म में 10 मार्क्स से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जिसकी मैंने बात की थी, अगर आप लोग इस सीट में देख रहे हो तो आप लोग देख सकते हो 26-28 मार्क्स मिनिमम आप लोगों का वेटेज इस चैप्टर से एवरी टर्म में होता है। एवरी टाइम आप लोगों का मिनिमम वेटेज क्या होता है, 70 मार्क्स। 70 मार्क्स में आप लोगों का अप्रॉक्स 18 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 52 मार्क्स। 52 मार्क्स में से आप लोगों का यहाँ पे 26-28 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, 50% से भी ज्यादा वेटेज हम लोग बोल सकते हैं इस चैप्टर का ही होता है। प्लस देख सकते हो इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट, इस चैप्टर से भी सर्टेनली एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है 6 मार्क्स 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए। तो ये 3 चैप्टर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ऑपरेशंस प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एंड द लास्ट वन इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट। तो इस 3 चैप्टर्स को सबसे पहले आप लोग जब रिविजन करने बैठोगे तो आप लोग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को सबसे पहले और सबसे अच्छे से रिविजन करनी है ताकि एक भी सम्स इससे नहीं छूट पाए। अगर आप लोग ऐसा कर देते हो तो OM में आप लोगों को एग्जम्पशन लाने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं SM की सीट को। SM की सीट भी आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुकी है फ्रेंड्स, और इस सीट में आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का ज्यादा तो सिलेबस का वेटेज नहीं है, 30 मार्क्स का ही सिलेबस होता है। इसमें भी 6 मार्क्स के आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और बचा 24 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन क्या करना होता है आप लोगों को। 2 क्वेश्चन में मैंने जैसा कि देखा है, एक क्वेश्चन आप लोग स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्टडी प्लानिंग से, और सबसे ज्यादा वेटेज होता है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी का। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग थर्ड चैप्टर जो है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, इस चैप्टर की रिवीजन सबसे पहले और सबसे अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज आप लोगों का 20 मार्क्स के अप्रॉक्स होता है जो कि SM का 1/3 पोर्शन है। अप्रॉक्स 65% वेटेज आप लोगों का सिर्फ थर्ड चैप्टर से होता है, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। और OM SM के लिए जो आप लोगों के एंड में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको जरूर से कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम जो OM में 28 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम वहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और